नमस्कार दोस्तों, देखो दोस्तों, ये बेर का बहुत पुराना पेड़ है, बहुत आपको देख के लगता रहेगा। और इसमें बेर के पेड़ के नीचे जो भी बेर पड़े अभी हरा कोई नहीं, जैसे पिका है ऐसा कोई नहीं, लेकिन सभी जो बेर के पेड़ पड़े हैं जो कोई खाया नहीं, लेकिन बकरी भेड़ उसको इतना ये होके खा रही, देखो इतना पसंद होके खा रही, ऐसा है। क्योंकि मौसम के जो हर मौसम के फल जो आएंगे वो खाती है भेड़ बकरी, आपने को जैसी जरूरत रहती वैसी उनको जरूरत है, अलग अलग विटामिन सी मिनरल की, प्रोटीन की, जैसे अपन अलग अलग गेहूँ जो धान खिलाते खली खिलाते उनकी तबीयत ठीक रहने के लिए, ऐसा उनका है। इसीलिए उनको अलग 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 जगह पर अलग अलग जगह बदल के घुमाना जरूरी है, इसी कारण यही कारण है। जैसे मैं अभी देखो ये जो जगह है, ये जगह एकदम मैं 5 दिन पहले आया था, 5 दिन भेड़ है बकरी है, बकरी है तो वैसे 3 दिन में आ सकते हैं, लेकिन भेड़ को 4-5 दिन के बाद आना चाहिए, क्योंकि उनके ही मुँह का उनको बास आ जाता है, इसलिए ऐसी जगह थोड़ा बदल के आना चाहिए। 4-5 दिन जितना फ्रेश जगह रहेगा उतना भेड़ की बहुत खाने में पसंद करता है, चरने में पसंद करता है, ऐसा। इसीलिए आप ऐसी कौन सी जगह पर जाए, कौन सा मौसमी फल खिलाए, उनको जगह बदलती रहे, जगह बदलते रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात रही थी। जगह जगह बदलने से उनकी अलग अलग जड़ी बूटियाँ मिल जाती है। तो दोस्तों, ये ऐसे वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करें। राम कृष्ण, जय जवान जय किसान।